अच्छा लग रहा। तो मैम कोटा जू में के पास और भी जू जाएंगे, और यही सामने पे है जेके पवेलियन इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम, तो चलते हैं जू के अंदर और देखते हैं आज जू में क्या क्या है जानवर यहाँ पे। जू के अंदर और यहाँ पे भी बहुत सारे जानवर दिख रहे हैं जैसा कि आप देख पा रहे हैं, हिरन बहुत सारे यहाँ पे हिरन दिख रहे हैं। और अभी बारहसिंगा वगैरह भी साथ में है। जो अपना खेल रहे हैं और इधर वही है ना, शेर है ना, भालू है ना, जिराफ है। बहुत छोटा सा जू है, पहली बार इतना छोटा सा जू देख रहा हूँ। और मैं अंदर आ गया थोड़ा सा, मैं अभी खाली बैठा हुआ था, मैंने कहा जो टाइम काट लेते तो मुझे लगा कि जू बड़ा सा होगा, लेकिन यहाँ पे बिल्कुल भी कुछ देखने के लिए इंटरेस्टेड नहीं है। चलिए थोड़ी सी चीज़ें और देख के बाहर निकलते हैं। इस तरफ था तो जो दो तीन घड़ियाल थे, उधर एक घड़ियाल है बस, और आगे की तरफ जो है थोड़ा बहुत जानवर हैं, उसमें हिरन वगैरह, नील गाय है, मंकी है, अजगर है, पैंथर है इसमें, और इसमें एक बैठा हुआ अजगर। मोटा बहुत छोटा सा है, वो लंबा होता है, लेकिन पता नहीं अपने शरीर को सिकड़ाए हुए है। और आगे देखते हैं क्या है। इस वाले में भी एक अजगर है, लेकिन वो अपने अंदर बैठा हुआ दिख नहीं रहा। तो दोस्तों पूरा जू हमने घूम लिया, कुछ खास देखने के लिए यहाँ पे नहीं है ऐसा। जू भी बहुत छोटा है और टिकट भी 30 रुपये का लगता है। ये सुबह 9:30 बजे खुल जाता है और शाम के 6:30 बजे तक खुला रहता है। तो वीडियो को यहीं पिन करते हैं। अच्छा लगा वीडियो को तो एक बार लाइक जरूर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा चैनल को। और अभी मैं कोटा में हूँ तो एक दो वीडियो आपको देखने को मिलेगी। कोटा में कुछ खास जगह हैं, जैसे वंडर पार्क है, मैं अभी गया था तो बंद था, 2:30 बजे खुलता है, तो वहाँ जाकर मैं एक वीडियो बनाऊँगा। और कोटा में जो बच्चे कोचिंग करने के लिए आते हैं, जहाँ पे वंडर सिटी, लैंडमार्क सिटी बोलते हैं उसको, तो मैं वहाँ के कुछ आपको टूर करा के दिखाऊँगा। तो वीडियो कहीं पेंट करते हैं, चलिए।